अरे उसका रुख कर लेते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रोहतक से, जहां हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 4 निर्दलीय विधायक देंगे चुनाव में कांग्रेस का साथ। पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन चुनाव में साथ देंगे। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर चुनाव में साथ देंगे। बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद चुनाव में साथ देंगे। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। 4 निर्दलीय विधायक चुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे। पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले हैं और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर जो हैं वो भी कांग्रेस का साथ देंगे। चरकी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान साथ देंगे। बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद चुनाव में साथ देंगे कांग्रेस का। तो 4 निर्दलीय विधायक शाम 4 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर रोहतक से आपको बता रहे हैं, संबंध में शाम 4 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 4 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का साथ देने का फैसला किया है, तो चुनाव के दौरान अब ये 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस का साथ देंगे। पुंडरी से विधायक नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले हैं। बादशाहपुर से राकेश दौलता के लिए संवाददाता दिनेश कौशिक मेरे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। दिनेश, हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें 4 निर्दलीय विधायकों ने अब कांग्रेस का साथ चुनाव में देने का फैसला किया है। किस तरीके से समीकरण पूरा बैठ रहा है और क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से इन 4 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का साथ देने का मन बनाया है? बिल्कुल, देखिए ये सारा एक प्लान के तहत ये सारा मामला चल रहा है और 4 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सभी विधायकों को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले तमाम जो कार्यकर्ता व पदाधिकारी है किसी भी संस्थान के हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ये बड़ी पारी हम उनकी कह सकते हैं, जिसमें पुंडरी से विधायक रणधीर गोयल, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद व चरकी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जो है कांग्रेस को समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका जो है विपक्ष को लग सकता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ये इस सारे मामले में बाजी मार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर जो है जो दर्शकों को ये बताई जा रही है कि 4 विधायक है। और थोड़ी देर पहले हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि अभी तो जो है देखते जाइए, बड़े बड़े काम यहाँ पर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े संकेत जो है कांग्रेस की तरफ से नजर आ रहे हैं। जी, चूंकि 4 बजे अब भूपेंद्र हुड्डा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेना भी जरूरी है दिनेश कि जब ये विधायक अपना समर्थन कांग्रेस को देंगे तो उससे कितना ज्यादा फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा और कितना ज्यादा नुकसान कौन से राजनीतिक दल को इसको लेकर पहुंचने वाला है? देखिए, राजनीतिक दल की बात की जाए तो सीधा सीधा इसका नुकसान जो है बीजेपी को यहाँ पर हो रहा है। और सोमवीर सांगवान की बात की करें तो पिछले दिनों बीजेपी में वो शामिल हुए थे, लेकिन अचानक से वो कांग्रेस में फिर से जो है शामिल हो रहे। तो कहीं ना कहीं जो एक लंबी लिस्ट है वो अब कांग्रेस में नेताओं की शामिल होने की सामने आ रही है। जो एक भगदड़ बची हुई है दूसरे दलों से वो सीधे कांग्रेस में जाकर रुक रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनसे जो है कांग्रेस का जो बड़ा कदम ये मान रहे हैं। और साथ में जो हम आपको दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारा मामला जो है गुपचुप तरीके से किया गया था और अचानक से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जो विधायक हैं वो कांग्रेस के सहायता करेंगे और कांग्रेस में शामिल। दिनेश, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है कि कितने लंबे वक्त से निर्दलीय विधायकों से कांग्रेस की बातचीत चल रही थी, अचानक ये फैसला उनकी ओर से लिया गया, पहले से सब प्री प्लान था, ऐसी कोई जानकारी है?
हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले 2-3 महीने की बात की जाए तो लगातार हम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस में भी कोई नेता ऐसा है जो शामिल हो रहा। तो पिछले दिनों की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जो बीजेपी में शामिल हुए, तो कांग्रेस का यही कहना था इन बड़े नेताओं का कि आप देखते जाइए सही समय आने पर कांग्रेस के पास भी एक बड़ी लिस्ट जो है होगी। तो कहीं ना कहीं एंड वक्त पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक बड़ी बाजी मार ली है और 4 निर्दलीय विधायक जो है वो कांग्रेस का समर्थन करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। इसी संबंध में अब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भूपेंद्र हुड्डा करेंगे और इस पर बातचीत उनकी ओर से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारियों के लिए।